हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर। आज का टॉपिक है जी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। हिंदी में से समूहवाचक संज्ञा है ना। अगर देखें समूह कब बनता है, जब कुछ व्यक्ति, कुछ वस्तु है ना, या कुछ जानवर, कुछ पक्षी एक साथ मिलते हैं है ना, तो एक समूह का निर्माण करते हैं। तो इसे ही, इस समूह को एक नाम दिया गया है, उसे ही हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जी क्या है। ए कलेक्टिव नाउन इज ए टाइप ऑफ नेम, टाइप ऑफ नाउन दैट एक्सप्रेस ए नेम फॉर ए कलेक्टिव ऑफ ए बंच ऑफ सेवरल पीपल, ऑब्जेक्ट, थिंग्स, एनिमल, इट्स। जो समूहवाचक संज्ञा है वो एक नाम है अनेक लोगों का या ऑब्जेक्ट यानी वस्तुओं का, थिंग्स है ना, वस्तुएं होती है, एनिमल और जानवर, बर्ड्स, इनका, इन अनेक लोग और जो पक्षी एक साथ या जानवर एक साथ मिलते हैं तो वो इसका एक नाम होता है जिसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, है ना। ए कलेक्टिव नाउन इज द इज ए वर्ड यूज टू रिप्रेजेंट ए ग्रुप। कलेक्टिव नाउन वह शब्द है जो प्रयोग किया जाता है एक ग्रुप को दर्शाने के लिए, है ना। ये इसकी सेकंड डेफिनेशन। द कलेक्टिव नाउन रेफर टू द ग्रुप एज ए यूनिट, है ना। जो कलेक्टिव नाउन है वो एक ग्रुप यानी इकाई को दर्शाता है, उसके बारे में बताता है ना। देन इट टेक्स ए सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब। इसके साथ में सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। मोस्टली इसके साथ में हम सिंगुलर नंबर का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी हम प्लूरल नंबर का भी करते हैं। मैं वो उदाहरण के लिए, उदाहरण के साथ हम आपको समझा रहे हैं। द फैमिली नेक्स्ट डोर इज वेरी क्वाइट, है ना। जो हमारा अगले वाला परिवार है वो बहुत शांत है। तो फैमिली है कलेक्टिव नाउन, तो इसके लिए हमने इसका प्रयोग करा, यानी कि फैमिली का पंक्ति है भाई। जो जो परिवार में सदस्य होते हैं, माँ बाप, भाई बहन, इनसे भी तो मिलके परिवार बनता है, फैमिली बनती है। तो ये जो फैमिली शब्द है क्या है, कलेक्टिव नाउन है, यानी कि लोगों से मिलकर बना हुआ। कुछ लोग हैं जिसका नाम परिवार दिया गया है ना, जिनके जिनमें के आपस में खून के संबंध होते हैं। तो जी द क्लब वाज फाउंडेड इन 1945। जो क्लब है उसकी स्थापना की गई है 1945, है ना। तो देखो क्लब कब कब बनेगा। क्लब एक संस्था का नाम है जिसमें कुछ व्यक्ति होते हैं, है ना। वो फाउंडेड यानी उसकी नींव रखी गई, स्थापना की गई कब, 1945 में। तो देखो क्लब जो है ये कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ में भी हमने वाज का प्रयोग किया। अब इसके हम प्लूरल नंबर के देख लेते हैं, लेकिन के जब ये केस में आता है ना, कारक में आता है, द मेंबर ऑफ द कमेटी और जो ना मेंबर्स, तो मेंबर्स प्लूरल है ना। कमेटी के जो मेंबर है, सदस्य है, आर गोइंग, जा रहे हैं, तो यहाँ पे एस आया तो हमने इसके साथ में आर का प्रयोग किया। द स्टाफ मेंबर्स डिसएग्री ऑन द प्रपोजल, है ना। जो स्टाफ के मेंबर है ना, वे
डिसएग्री है इस प्रस्ताव से, तो मेंबर्स, तो डिसएग्री का प्रयोग क्या, तो यहाँ प्यूलर नंबर की तरह वैसे प्रयोग किया। तो स्टूडेंट अब इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, हमें याद भी रखने चाहिए, है ना, कम से कम 100 तो करीब याद होने ही चाहिए जो कॉमन है। तो कुछ हमने यहाँ पर दिए गए हैं, उन्हें आप अच्छी प्रकार देख लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है जी, क्योंकि फिर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई इनके लिए कलेक्टिव नाउन लिखिए, है ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, या एक सेंटेंस दे दिया गया उसमें से, जैसे ये सेंटेंस दे दिया गया इसमें से आपको पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा कलेक्टिव नाउन है, तो आपको बताना होगा भाई कमेटी जो है वो कलेक्टिव नाउन है, है ना, इसमें स्टाफ है, है ना। तो देखो पैक, पैक जो इसका प्रयोग होता है कुत्ते और सियारों के लिए, वैसे एक वर्ड का प्रयोग अनेक कुछ और के लिए भी हो सकता है। हर्ड, हर्ड का मतलब होता है जानवरों का झुंड, और पैक था कुत्ता और सियारों का झुंड, फिलो माने चिड़ियाओं का झुंड, स्वार्म कीड़े मकोड़े, मधुमक्खी कीड़े मकोड़ों में ही आती है ना, तो इनका झुंड, कोर गायक मंडली या संगीतकार, क्राउड भीड़ जब बहुत सारे आदमी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, मोब उग्र भीड़ है, जब कोई दुर्घटना होती है आगजनी होती है तो कुछ लोग बाग भीड़ इकट्ठी करके उसे अंजाम देते हैं, उसको नहीं उग्र भीड़ उसके लिए मोब का प्रयोग करते हैं। क्लास विद्यार्थी है ना, तो विद्यार्थियों का झुंड। ट्रू शेरों का झुंड, सोर मछलियों का झुंड, राइट जनजाति, फ्लीट जहाजों का झुंड, बैंड संगीतकार, ये ट्रूप में बंदर भी थे भाई, शेरों और बंदरों का झुंड है ना, और हवेल मछलियों का झुंड, प्राइड शेरों का झुंड, स्कूल मछलियों का झुंड, टीम खिलाड़ियों का झुंड, आर्मी सेना है ना, बहुत सारी सेना जब एक साथ मिलेगी तो सब आर्मी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका कलेक्टिव नाउन था, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा उदाहरण से, ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।